न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं शिक्षा जगत की ओर। उत्तर नगर के मोहन गार्डन स्थित मुनि इंटरनेशनल स्कूल के छात्र रहे मोहम्मद अली सैफी ने हाल ही में दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं, क्योंकि अली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में मानव सेवा का कार्य करते हुए समाज में एक मिसाल कायम की है। उनके द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग उनसे जुड़े। इस छोटी सी उम्र में अली का अपनों के बीच से चले जाना सबके लिए काफी दुखद है, लेकिन मुनि इंटरनेशनल स्कूल ने अपने छात्र के कार्यों को आगे बढ़ाने और युवाओं उनके जीवन से प्रेरणा देने के लिए मोहम्मद अली सैफी की याद में एक कार्यक्रम किया और अली के नाम पर प्रत्येक वर्ष सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी अवार्ड देने की भी घोषणा की। बड़ी तकलीफ क्षेत्र के लोगों को ये बहुत बड़ा दुख है, माँ बाप के लिए तो है, समाज के लिए भी। मोहम्मद अली हमारा छोटा भाई बहुत सारी सेवा करता था समाज की, तो वो काम कर रहा था जो लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई बना रहे ना उसको पाटने का काम ये भाई कर रहा था। बहुत लोगों की सेवा करता, तो बहुत दुख है, मैं भी बहुत दर्द है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, उसके सामने किसी का नहीं है। तो परिवार को पहले कहना चाहूँगा हिम्मत से काम लें, हम आपके साथ हैं। और आज जो अशोक जी ने मोहम्मद अली के नाम से जो आज अवार्ड उन बच्चों को दिया जाएगा जो समाज की सेवा करेंगे, जो हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जो समाज के लिए काम करेंगे, उनको हर साल अशोक जी ने एक बहुत बड़ा काम किया अशोक ठाकुर जी ने कि उन 5 बच्चों को हर साल अवार्ड दिया जाए, जिससे कि हम अली को हमेशा जिंदा रखें, जिससे जहाँ भाईचारा हो, प्रेम हो, और ये नफरत की जो आग फैलाई जा रही है उसको बंद करने के लिए अली जैसे और लोग पैदा हों जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करें और समाज और देश में अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। अली भाई तो हम भी नमन करते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी उम्र में, लोग जीते हैं बहुत लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन वो जितना भी जिए तो समाज के लिए। जीवन की यही उपलब्धि होती है कि उसकी जीवन की यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। जीवन की उपलब्धि यही है, शरीर की उपलब्धि है बने रहे या चले, परंतु जीवन की उपलब्धि है कि उसकी कहानी, उसकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा माना जाता है जीवन की उपलब्धि। और करने वाले तो ऐसे लोग होते हैं कि क्षणों में इतिहास लिख जाते हैं, ऐसे इस बच्चे ने किया। और ये मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ पर मैं किताब का लेसन नहीं बोलता, जीवन का लेसन है कि एक उसके जीवन का अध्याय बन गया है कि लोग इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, जहाँ बच्चा अपने बारे में ये सोचता है कि कितना पैसा आएगा, कौन सी कंपनी का पैकेज होगा, उसने पूरे संसार का ही पैकेज बना दिया कि संसार में एक दूसरे की हेल्प करें, जो लोग कम लक्की हैं उनको अगर आप लक्की एनफ है तो उनकी हेल्प करें। और एक किताब में लिखने वाला नहीं, हर जीवन में लिखने वाले का अध्याय दे दें, ऐसा अली ने किया। और मेरे को इस बात ने ऐसा इंस्पायर किया कि मैंने कहा नहीं, मैं रहूं ना रहूं, हम सब रहे ना रहे, अली का ये चैप्टर सारी जिंदगी रहे और हर आदमी पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर किताब का नहीं है, ये चैप्टर जिंदगी का है, सब लोग पढ़े। इसके लिए मैंने सोचा कि अली ने अपने जीवन का बेहतर काम किया, मैं भी तो अपने जीवन में क्यों पीछे रह जाऊँ, तो मैंने अली के इस चैप्टर को दुनिया का चैप्टर बनाने का प्रयास किया। और मैंने परिवार से प्रार्थना करी कि आओ मिल करके, क्योंकि शरीर तो खत्म होना ही है, चाहे 100 साल में या 150 साल में, एक ऐसा चैप्टर लिख दे कि सदियों तक ये चैप्टर चलता रहे और लोग कहें कि अली वाला जीवन कुछ हम भी निभा जाए, ये प्रेरणा का कार्य किया। वादा भी करता हूँ सर, ये अली वाला प्राण या शरण वाला प्राण टूटेगा नहीं, हर बार बढ़ेगा। प्यार अशोक जी का हम इसे गुना नहीं पाएंगे, इन्होंने जो मुहिम अपनी बनाई, गाड़ी पे लिखवा के लाए, पापा मैंने ये सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी ये बनाया है और आप इसके लिए दुआएं करें। मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं बेटे तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर ये सोच कहाँ से आई कि आप सूफी हैं, तो आपका सोच मेरे अंदर नहीं जाएगी। तो मैं क्या बेटा, मैं सलाम करता हूँ उस स्कूल में जिसमें तुमने तालीम ली, और तुम्हारी तरह सब लोग ये काम करें तो हमारे देश का भला होगा, पापा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इस गम की घड़ी में समाज मेरे साथ है, आज वो दुनिया में नहीं है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि जो इस गरीब बच्चे ने काम किया है
सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी वाला ये काम इनका जारी रहे, गरीबों की सेवा होती रहे। फकत और फकत हमें गरीबों का प्यार चाहिए और आप सब लोगों की दुआओं की जरूरत है कि मेरे बच्चे की मुक्ति हो, उसे जन्नत में जगह मिले। First of all, I would like to say about Mr. Ali. He had really done a good work for the social work, and we all want to continue that on the same path. So for we all are here for what we are doing this. I'm from Aligarh. मैं बस ये कहना चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे ये सब जब मुझे पहली बार अली के माध्यम से एफ बी पर पता चला कि गरीब बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी एक्सपायर हुई कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं भी गरीब बच्चों के लिए बहुत सारे मदद कर रहा हूँ। मोहम्मद अजीज़ सैफी है और मैं मोहम्मद अली का बड़ा भाई हूँ और मोहम्मद अली सैफी इसी स्कूल मुनी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा था और आज जो मुनी इंटरनेशनल स्कूल ने उनकी याद में सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से अवार्ड कार्यक्रम रखा और छोटे भाई की ये सोच थी कि मुझे अपना नाम नहीं करना या मुझे आगे नहीं आना ताकि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो समाज में लोगों की हेल्प हो सके, गरीब बेसहारा लोगों की हेल्प हो सके और जिसके लिए इसने अपना सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी। फिर इसने गरीब लोगों के लिए कपड़े इकट्ठे करने की बात की और लोग बढ़ चढ़ कर आगे भी आए जिन्होंने इसे कपड़े डोनेट किए और फिर इसने जगह जगह जा कर के उन लोगों को कपड़े डोनेट किए। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं अली भाई के साथ फेसबुक से 5 साल से जुड़ा हुआ था मगर कभी अली भाई से बातचीत नहीं हुई। अचानक से मैंने उनकी पोस्ट देखी 24 नवंबर 2018 तो मेरे को लगा कि ये बंदा काम का है जो मानव सेवा के लिए कुछ करते हैं वो सोचते हैं, तो मेरे को उनके साथ जुड़ना अच्छा लगा।